वाराणसी में एक तरफ बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय, और इन दोनों को टक्कर देने के लिए मैदान में हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। कांग्रेस की बड़ी नेता शीला दीक्षित को दिल्ली में मात देने के बाद अरविंद केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं और वो अब नरेंद्र मोदी और अजय राय को टक्कर देने के लिए वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। खबर के मुताबिक केजरीवाल लहुराबीर चौराहे से रोड शो करते हुए कचहरी तक जाएंगे। यहां पर अपनी यात्रा को खत्म करने के बाद केजरीवाल नामांकन दाखिल करेंगे। उनकी पदयात्रा में गाड़ियों का काफिला नहीं होगा, केवल एक खुली जीप रहेगी जिस पर सवार होकर वो नामांकन करने जाएंगे। नामांकन के वक्त केजरीवाल के साथ आप नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, प्रोफेसर आनंद कुमार और आशुतोष भी मौजूद रहेंगे। केजरीवाल के लिए वाराणसी महज एक सीट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल है। केजरीवाल की जीत के लिए पार्टी वाराणसी में भी दिल्ली मॉडल को अपना रही है। हालांकि आपका अपना सर्वे ही केजरीवाल के पक्ष में नहीं है। पार्टी के कराए सर्वे में नरेंद्र मोदी से केजरीवाल करीब 50,000 वोट पीछे है। हालांकि पार्टी का मानना है कि वो मतदान से पहले ही संतर को पाट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस।